इंदौर में जिस तरह से एक के बाद एक दो समुदायों के बीच विवाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर पुलिस अलर्ट पर है। इसी कड़ी में 3 एनएसजी कमांडो की टीम इंदौर पहुंच गई है और विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोर्चा संभालेगी। इस पूरे मामले की जानकारी एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने दी। ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। एसपी जी जो ग्रुप है वो यहाँ के सभी जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन हैं, इम्पोर्टेंट जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के इंस्टॉलेशन हैं और अन्य जो इम्पोर्टेंट स्थान है पब्लिक के, उन पे जनरल रैखी करना, उनका विजिट करना, उनकी रिहर्सल करना, ये एक्टिविटी करती है। तो अभी अगले 3-4 दिन के लिए टीम आई है, तो आज परिचय बैठक हुई है जिसमें सभी संस्थाओं के हेड, एमपी पुलिस के, एटीएस के, सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स पे, और मीटिंग करने के बाद अब एक दो दिन अगले दिन वो यहाँ पे भ्रमण करेंगे। अभी सर क्या इंदौर पुलिस के साथ भी कोई ट्रेनिंग शेड्यूल है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये एसपीजी की रूटीन एक्सरसाइज है, वो अपने जो भी उनका जोन होता है जोन क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते हैं और रैकी करते हैं जगहों की, और संबंध में लोकल एजेंसीज को सेंसिटाइज करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन, उनसे कोऑर्डिनेशन बनाना, कौन कैसे नंबर एक्सचेंज होंगे, कैसे ये सारी चीज़ें तय करी जाती हैं, तो वही रूटीन एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। प्रतिभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।